नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने जा रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि खरीदारी करने से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि गोल्ड हॉलमार्किंग क्या है और इसका फायदा आपको किस तरीके से होने वाला है। वही हॉलमार्किंग से सोने की शुद्धता की पहचान होती है। सोना खरीदने और बेचने दोनों के लिए हॉलमार्किंग जरूरी है। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2020 से इस नियम को लागू कर दिया गया है, लेकिन अगले एक साल के बाद यानी कि 15 जनवरी 2021 से ये नियम कानून में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद गलत कैरेट का सोना देकर ज्वेलर ग्राहकों को ठग नहीं पाएंगे। वही 15 जनवरी 2021 से सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बिकेगी। कानून नहीं मानने वाले पर भी भारी जुर्माना लग सकता है, साथ ही में जेल का भी प्रावधान शामिल है। वही अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने जाते हो तो सबसे पहले सोने और चांदी के भाव जरूर चेक कर ले। उसके लिए आप हमारे चैनल यानी कि गोल्डन बीस को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भाव देते हैं और उसी के साथ में काम की बड़ी खबरें भी देते हैं। वह असली सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते हैं क्योंकि वह बेहद ही मुलायम होता है। आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। वह सोने की ज्वेलरी खरीदते वक्त में हॉलमार्क का निशान जरूर चेक करें। अगर निशान न हो तो ज्वेलर से सवाल भी पूछ सकते है। वह जरूरत पड़ने पर शिकायत भी कर सकते है। बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी की शुद्धता का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, साथ ही में बेचने के वक्त में सही दाम मिलना मुश्किल होता है। बिक्री के समय हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का मूल्य मौजूदा बाजार भाव पर तय होता है, इसीलिए हॉलमार्क सर्टिफिकेट वाली ज्वेलरी ही खरीदे। और इसी के साथ में अगर सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उसका पक्का बिल जरूर मांगे। बिल में सोने की शुद्धता और रेट की जानकारी दी होती है। चलिए तो इसी के साथ में मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।